लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी दौर में चल रहा है। अब सिर्फ दो चरण का मतदान ही शेष रह गया है। आखिरी दो चरणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बंकुरा और पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पर पीएम मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भाजपा की रैली ना हो पाए इसके लिए टीएमसी सरकार ने पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन जिस पर आपका आशीर्वाद हो उसे आपके बीच आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर हो रही बयानबाजी को लेकर कहा कि ममता दीदी कितनी परेशान है उसका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। वो अब मेरे लिए पत्थरों की बात करती है, थप्पड़ों की बात करती है। मुझे तो गालियों की आदत है, लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पीएम मोदी की जनसभा आपको बता रहे, जहां पर ममता बनर्जी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया में पीएम मोदी की जनसभा और जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा, दीदी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ममता मुझे थप्पड़ मारने की बात कह रही है। अहंकार ही ममता को ले डूबेगा। सत्ता जाने के डर से बंगाल को बर्बाद करने पर तुली है ममता बनर्जी। बौखलाहट में संविधान का अपमान कर रही है दीदी। देश के संविधान का भी अपमान कर रही है। आप हैरान हो जाएंगे, वो पब्लिकली कह रही है, वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पीएम मानने में उन्हें गौरव का अनुभव होता है। जब पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया, साइक्लोन आया, तो मैंने उन्हें दो दो बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं माना। यहां तक कि भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठ करके इस साइक्लोन के समय मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया।